नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आयु से संबंधित प्रश्न अर्थात आयु पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। कि जैसे आप देखते होंगे परीक्षाओं में कि एक क्वेश्चन आपसे आयु से पूछ लिया जाता है कि 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, इस तरीके से प्रश्न आपसे आयु संबंधित पूछते हैं। तो आइए हम लोग आयु पर आधारित प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो आयु का प्रश्न पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ जानना पड़ेगा कि पूर्व देता है और एक बाद देता है, कि पूर्व है और एक जो है बाद। 2 चीज हमें जानना पड़ेगा कि पूर्व क्या और बाद क्या। अक्सर पूछ लेता है 5 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद। तो देखिए, किसी व्यक्ति की जो आय है, मान लीजिए वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आय किसी व्यक्ति की x है। अब दे दिया जाए कि 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु क्या है, x है। अब पूर्व में अगर कह देगा क्या होगा, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब क्या होगा, पहले। अब इसके बाद की जगह क्या दे देगा, 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पश्चात भी कह देता है, पश्चात। पश्चात माने क्या होता है, बाद में। अब कह देगा कि पहले या बाद में। अब इसके बाद अगर पूर्व कह दिया तो इसका मतलब है पहले, और पश्चात कह दिया तो इसका मतलब क्या होगा, बाद में, मतलब आएगा। और पूर्व का मतलब कि जो है बीत, मतलब कि जो है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, जो आज का समय चल रहा है उसके ठीक 5 वर्ष पहले आयु क्या थी। अगर किसी व्यक्ति की आयु अगर x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व अगर बात करेगा, 5 वर्ष पूर्व की बात करता है, तो यह x माइनस 5 हो जाता है। अगर दे दिया जाए कि किसी व्यक्ति की अगर वर्तमान आयु अगर x वर्ष अगर दिया है, वर्तमान में अगर आयु उसकी x वर्ष है, अगर यही चीज़ अगर कह देता है कि किसी व्यक्ति की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद जो हो जाएगी इसकी x प्लस 4 हो जाएगी। और यही अगर कह देता कि उसी व्यक्ति की 4 वर्ष पहले आयु क्या थी, यदि वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगी, x माइनस 4 हो जाएगी। और 4 वर्ष बाद और पहले आपने समझ लिया अच्छे से कि 4 वर्ष बाद और पहले क्या होता है। कुछ चीज़ और भी आपको हम बता देते हैं। जैसे दे देता है कि पिता और पुत्र, जैसे आपको दे देगा कि पिता और पुत्र की आयु, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि पिता और इसके बाद पुत्र है, तो कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है। दोगुनी का मतलब कि अगर जितना भी, अगर मान लीजिए कि 15 वर्ष का अगर पुत्र है, तो पिता क्या होगा, 30 वर्ष का। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, अगर यह क्या होगा, 15 होगा, तो यह हो जाएगा 45 वर्ष। तो अगर यह कह दिया जाए, अगर समीकरण बनाने के लिए अगर दे दिया जाता है कि पिता और पुत्र की उम्र को बराबर करिए, कैसे होगा, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो अगर 15 को अगर बराबर करना होगा, 45 कभी बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसको अगर हम ऐसे समझें इस बात को कि कह दिया जाए कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो हम अगर मान लेते हैं कि अगर पिता की उम्र x वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी। अब इसको मानना पड़ेगा ना, तो हम 3 गुना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x, और इसी को मान लेंगे हम लोग 3x। देखिए, पुत्र की उम्र मैंने क्या माना, x, तो इसकी पिता की उम्र मैंने क्या माना, 3x। अब इसके बाद देखिए धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, 4 वर्ष बाद। अब देखिए 4 वर्ष बाद मतलब कि दोनों के 4 वर्ष बाद, मतलब अब बढ़ेगा उम्र दोनों का, तो 3x+4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, पुत्र भी 4 वर्ष बढ़ेगा ना, सन 2019 चल रहा है, तो 4 वर्ष बाद अगर इसमें जोड़ेंगे 20, 21, 22, 23 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, तो सन 23 में जो होगा 4 वर्ष से भी बड़ा होगा, 4 वर्ष से भी इसकी उम्र बढ़ गई होगी। अब 4 वर्ष बाद क्या देता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी का मतलब यह होता है, अब यहीं पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि इस पुत्र की उम्र जो होगी ना, इससे यह 4 गुना है।
इससे यह चार गुना है। अगर यह उस समय अगर 15 का है तो उस समय यह 60 का है। तीन दोनों को बराबर करने के लिए क्या होगा, अगर पिता की उम्र दे देगा चार गुनी है तो आप क्या करिएगा कि पुत्र को चार गुना बढ़ाइए, क्योंकि यह तो 60 तो है ही है, अब इसमें चार का गुणा कर देंगे तब ना यह 60 होगा, 15 चौको 60 तब इसके बराबर 60। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि जिसको गुना कहे उसको आप गुना ना करें, ठीक अपोजिट को गुना किया जाता है। जैसे बोल दे कि पिता की उम्र चार गुनी है तो पिता को चार गुना बढ़ाएंगे तो 6 चौको 24 240 वर्ष का हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं हो पाएगा, तो पुत्र को हम गुना करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आइए हम लोग एक एक सवाल लेते हैं आयु पर आधारित और हम लोग करते चलेते हैं। जैसे देखिए एक सवाल है कि ए और बी जिनकी आयु का अनुपात 3:4 है, मतलब दो व्यक्ति हैं ए और बी जिनके आयु का अनुपात 3 और 4 है। मान लीजिए कि व्यक्ति ए की अगर आयु 3 है तो व्यक्ति बी की आयु 4 होगी। तो मान लेते हैं ए की आयु लगाते हैं, ए की आयु अगर देखिए अगर मुझे मानना पड़े तो मैक्सिमम आयु मैं मानूंगा 3x। अब इसके बाद बी की अगर आयु मानना पड़ेगा मुझे, बी की अगर आयु तो मैं मानूंगा 4x। और 4 वर्ष बाद, अब फिर आ गया बाद का मतलब क्या है कि अभी आएगा, 4 वर्ष अभी आने वाला है, तो 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, 4 वर्ष बाद देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा 3x+4 और बी की आयु क्या हो जाएगी, 4x+4। इतना हमको लिखना है, पहला सवाल है तब, नहीं तो हम एक लाइन में इसको लगाएंगे। अब अनुपात कह रहा है कि 7:9 हो जाएगा, तब इनका जो अनुपात बनाएंगे आप ना, तो यह हो जाएगा 3x+4 और इसके बाद हो जाएगा 4x+4 बराबर 7/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 3 27 x+9 = 36 बराबर 7 4 28 x होगा और प्लस 7 4 28 ऐसे। अब इसके बाद देखिए 28 है तो इसको इधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेके चले आइए, तो क्या होगा 27 जो होगा 28 में से घट जाएगा तो 1x बचेगा और 28 36 में से घटेगा ना, तो कितना बच जाएगा 8 बचेगा। तो यह देखिएगा यह हो जाएगा x बराबर कितना होगा 8, तो x बराबर 8 होगा। तो पूछ रहा है कि तो a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो a की मैंने माना था ना a की आयु, तो a की आयु अगर पूछ रहा है कि a की आयु क्या होगी तो मैंने माना था कितना 3x माना था, 3x तो x का मान उसमें रख दीजिए 3/24 वर्ष, तो हो जाएगा a की आयु 24 वर्ष। चलिए अब इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, ऐसा ही एक दूसरा सवाल लेते हैं। दो व्यक्ति जिनकी आयु में 3:4 का अनुपात है, 4 वर्ष पहले अनुपात 17:24 था। अब देखिए तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, 4 वर्ष पहले दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 3:4 है, अब 4 वर्ष पहले इनका अनुपात दे रखा है 17:24 है, तो हम डायरेक्ट सवाल कैसे लगाएं, 3x 4x तो जान ही रहे हम लोग हो जाएगा, तो एक लाइन में सवाल कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे 3x 4 वर्ष बाद पहले है ना, तो 3x-4 और इसके बाद 4x-4 कर देंगे, तो यह अनुपात कितना है 17:24 का अनुपात है। अब गुणा कर लेंगे ना, 24 3 76 जितना भी होगा, तो हो जाएगा 3 4 12 24 3 72 3 2 1 6 7 हो जाएगा x माइनस, अब 24 4 96 4 4 16 4 2 8 और इसके बाद 17 4 68 x माइनस 68। अब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो 72 में से अगर 68 चला जाएगा तो इसको ऐसे आप एक लाइन बढ़ा देता हूँ आपके लिए कि 72x-68x बराबर -68+96 हो जाएगा, तो यह घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, अब यहाँ पे देखिए माइनस में है या क्या है प्लस में है, तो आप जान रहे हैं ना कि 96 में से अब कितना घटेगा 68 घटेगा, अब यह घटेगा ऐसे, तो 6 में से अगर 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 28 हो जाएगा, 6 गया तो 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। तो आप यह समझ चुके हैं कि 4x बराबर कितना हुआ 28, तो x बराबर कितना होगा 7।
अब पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की 4x होगी ना, बी की वर्तमान आयु कितना होगी 4x, यक्स का मान रखिए 4 गुणे कितना 7, 7 चौक 28 वर्ष, ऐसे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे तुरंत सेकेंड लाइन में आई, अभी ना कि मानिए कि 3x है 4x नहीं, जो कह रहा है सेकेंड लाइन से आप हल करना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है, पिता पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि पिता है और पुत्र है, दोनों की आयु का योग क्या है 50 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे मानते हैं पिता और यहाँ पे लिखते हैं पुत्र। अब दोनों का जो योग होगा वह 50 वर्ष है, तो इस तरह अंतर और योग में दोनों में समझना पड़ेगा आपको। जब योग कहेगा तो एक 50 वर्ष योग ने दोनों का, तो आप मान लीजिए कि पिता का उम्र x वर्ष है, तो पुत्र का जो होगा उसमें से x घटा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 40 वर्ष का पिता है, 10 वर्ष का लड़का है, तो 10 वर्ष और 40 50 हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि हम क्या है कि 50 वर्ष है दोनों की उम्र, और हमको मालूम चल जाए कि 40 वर्ष का लड़का है, तो 40 में 10 जोड़ दीजिए, या ऐसे भी हो सकता है कि 50 में से 40 को घटा दीजिए तब भी लड़के की उम्र मालूम चल जाएगी। तो मान लेते हैं कि पिता कितना है x है, और पुत्र कितना हो जाएगा 50 माइनस x, तब भी मालूम चल जाएगा। अब इसके बाद 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:1 था, तो 5 वर्ष पहले कह रहा है ना, तो यह क्या होगा x माइनस 5, और इसके बाद 50 माइनस x माइनस 5, ध्यान रखिएगा बराबर कितना होगा 7:1 हो जाएगा अनुपात। तो इसको हम और भी हल कर सकते हैं कि x माइनस 5 और 45 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे 7:1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा x माइनस पाँच बराबर हो जाएगा 45, 5 × 7 = 35 को 5 × 7 = 35 और 7 × 4 = 28 और 3 = 31 −7x। अब 7x इधर आके चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x होगा, और यह उधर चला जाएगा तो 320 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 320/8, 8 × 4 = 32 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 40। तो पूछा है कि तो पिता की वर्तमान आयु होगी, तो जब पिता की वर्तमान आयु पूछेगा तो कितना होगी 40 होगी, 40 वर्ष। देखिए x का मैंने मान रखा है ना, पिता की वर्तमान आयु कितना होगी 40। अब आइए इस तरह से अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कपिल गणेश की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। अब अंतर पूछेगा तो क्या होगा, देखिए एक सवाल को समझना है कि यह कपिल है और इसके बाद देखिए एक नाम का लड़का है गणेश, अंतर। तो अगर इसको मानेंगे अगर हम लोग यक्ष, तो इसको हमको मानना पड़ेगा कि x + 6, क्योंकि दोनों का अंतर 6 है ना, तो अगर x + 6 में से अगर x घटाएंगे तभी तो हमारा 6 आएगा। तो यह जानना पड़ेगा कि यहाँ पे x + करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और योग में क्या करना है, घटाना पड़ता है, यह हमेशा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अंतर 6, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। 4 वर्ष बाद का मतलब क्या है कि अब इसमें जोड़ना पड़ेगा, जैसे 4 वर्ष बाद आप ऐसे कर भी सकते हैं इसको कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद क्या होगा, यह वाला कितना होगा x + 4, यह कितना हो जाएगा x + 6 + 4, तो इसको क्या कह सकते हैं x + 10 कह सकते हैं। तो इस सवाल को अब लगाना पड़ेगा ना, तो इस सवाल को लगाएंगे जब हम लोग तो कैसे करेंगे, x + 4 और x + 10 हो जाएगा, अनुपात 3:4 है, तो हो जाएगा 4x + 16 बराबर 3x + 30। तो हो जाएगा ये इधर आ जाएगा वह उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 14, क्योंकि 30 में से 16 घट जाएगा 14।
तो होगा तो गणेश की आयु होगी। अब देखिए गणेश की क्या पूछ रहा है, गणेश की कितना आयु होगी ना, तो कपिल गणेश की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो गणेश की मैंने यहाँ पे माना x प्लस 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गणेश की आयु, गणेश की आयु वर्तमान आयु कितना है x प्लस 6, x का मान 14 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 20 ईयर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर देगा कि दोनों का अंतर, अंतर जब होगा तो दो जो भी मानेंगे x 6 वर्ष का अंतर तो x प्लस 6 कर दीजिएगा, 20 वर्ष का अंतर तो x प्लस 20 कर दीजिएगा, योग कहेगा तो घटा दीजिएगा, जैसे x है तो 20 माइनस x कर लीजिए, इस तरीके से आप करेंगे। चलिए अगला सवाल, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी का मतलब अगर मैं पिता हूँ, अगर मैं कितना हूँ 25, तो मेरा लड़का कितना होगा 5, इस तरीके से करते हैं। तो देखिए मानते हैं पिता और इधर मानते हैं पुत्र, तो यह कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अगर यह पुत्र अगर यक्ष होगा तो पिता कितना होगा 5 यक्ष, 4 वर्ष बाद इनका योगफल कितना होगा 44 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद कितना होंगे, या 4 वर्ष बाद अगर हम लिख दें, वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी 5x+4 हो जाएगी और यह x+4 होगी, और योगफल कितना दिया है 44, तो लिखिए इसको 5x+4 धन x+4 दोनों की आयु का योग कितना है 44। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताना है हमें, तो यह 5 और ये कितना होगा 6x, और यह 8 है ना, 4 4 8 उधर चला जाएगा, बराबर 44 में से 8 घट जाएगा, तो 6x बराबर कितना होगा 36, तो x बराबर कितना होगा 6 ईयर। अब x किस क्या माने हम लोग, पुत्र माने हैं, तो हम x की जगह कर सकते हैं 6, अर्थात पुत्र का जो उम्र होगी वर्तमान में वह 6 वर्ष का पुत्र है, पिता पूछता तो 6 5 30, हम लोग कह देते कि 30 वर्ष का पिता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पिता और पुत्र की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अब करते हैं, अंतर दे दिया तो पिता पुत्र, अब मान लेते हैं यहाँ पे कि पिता यक्ष है तो पुत्र क्या है x+30, 30 वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि पिता की उम्र क्या है, मान लीजिए पुत्र अगर यक्ष होगा तो यह कितना हो जाएगा x+30 हो जाएगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया है 15 वर्ष बाद, अगर 15 वर्ष की बात करें तो 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितना उम्र इनकी हो जाएगी x+ कितना होगी 45 हो जाएगी, और x+15 होगा, क्योंकि इसमें अंतर करना है तो बड़ा जो होगा उसमें से अंतर करेंगे छोटा, हमेशा पुत्र जो होगा छोटी उम्र का होगा पिता से। अब ऐसा नहीं कि पुत्र जो है 20 वर्ष का है या पिता 10 वर्ष का है, हमेशा पुत्र जो है छोटा होगा पिता से, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो यहाँ पर कर लेंगे x+45 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x+15 और 2, यहाँ पर मैंने बोला ना कि देगा कि पुत्र की उम्र का 2 गुना है, कौन 2 गुना, यह 30 होगा तो यह कितना होगा 15 वर्ष का, तो 2 गुना इसमें कर लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा x+45 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2x+ कितना 30, तो यह क्या होगा, यह इधर चलाएगा और इसके बाद यह इधर चलाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 2x - x बराबर हो जाएगा 45 - 30, तो x बराबर कितना होगा 15। तो पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यक्ष मैंने किसको माना है, पुत्र को माना है ना, तो पिता का पूछ रहा है तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, तो पिता की आयु हो जाएगी, पिता की आयु x+15, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं x+30 है ना, x+30 बराबर हो जाएगा 15 धन 30 बराबर कितना 45, तीसो कर सकते हैं 45 ईयर हो जाएगा कितना पिता हो जाएगा।
अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। मान लीजिए कि लता का विवाह 6 वर्ष पूर्व, जैसे 2019 चल रहा है ना, तो 2019 में से अगर घटा देंगे 6-13, मतलब सन 2013 में लता का विवाह हो गया था। अब इसके बाद हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है। अब यह देखें, लता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यह देखें हम। अब यह देख लें कि वर्तमान आयु जो है बराबर लता कितना है, x मान लेता हूं। अब 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, 6 वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगी, x माइनस छ हो जाएगी। उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है। उसकी शादी कितना थी, x-6, मतलब इस समय उसकी उम्र 30 वर्ष है, तो शादी की उम्र कितना रही होगी, 24 वर्ष, 6 घटा देंगे। अब शादी की समय की कितना है, 5/4 गुना है, तो इसको करेंगे हम लोग ऐसे कि यक्स बराबर हो जाएगा 4/5 x-6, तो ये हो जाएगा कितना, 5x = 4x - 24। उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 है। अब देखिए, इसमें यह दिया है कि लता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु का 5/4 गुना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कर लेंगे इसको कि x = x-6, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु का 5/4 गुना है, मतलब कि यह 5/4 गुना है। तो हो जाएगा 4x = 5x - 30, तो यह कितना हो जाएगा, 5x - 4x = कितना होगा, 30, तो x बराबर कितना होगा, 30। x किसको मैंने माना है, लता के वर्तमान आयु को मैंने माना है। अब यह दिया है कि पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 है। लता अगर इस समय 30 वर्ष की है तो उसका पुत्र जो है वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु कर लीजिए आप, पुत्र की आयु हो जाएगी 30 का 1/10, 10 × 30 हो जाएगा 3 वर्ष। लता 30 वर्ष की है और उसका पुत्र कितना है, 3 वर्ष का है, यह ध्यान रखिए। शादी कब हुई होगी उसकी, 24 वर्ष में, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, गुलजार की आयु से 4 घटाकर, जितना भी गुलजार की आयु होगी अगर 10 वर्ष है तो 4 घटा दीजिए, फिर कह रहा है 10 से भाग दे दीजिए। पहले करते हैं सीधे सीधे, जो कह रहा है करते हैं कि गुलजार की आयु से 4 घटाकर 10 से भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु महेश की आयु से 2 वर्ष कम है, यदि महेश की आयु वर्तमान आयु 5 वर्ष है, यदि महेश की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो जाहिर सी बात है अनूप की आयु कितना हो जाएगी, 3 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष कम है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग कि गुलजार, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कोई जी से गुलजार है, 4 वर्ष घटाकर 10 से भाग दे दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। और अनूप की आयु कितना है, 2 वर्ष कम है किससे, महेश से, तो यह कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो यह हो जाएगा कितना, g - 4 = 30, तो g बराबर कितना हो जाएगा, 34। तो क्या पूछ रहा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या होगी, तो गुलजार कितने वर्ष का होगा, 34 वर्ष का हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं आगे, यह हुआ आपका आयु पर आधारित प्रश्न। हमेशा यह ध्यान रखना है आपके आयु पर आधारित प्रश्न में कि पहले और बाद क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग जितने भी इस पर आधारित सवाल होंगे फिर आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।